अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो जैसे हम अपने वीडियो का स्टार्ट शाउट आउट से करते हैं, तो आज फिर से आप अपने फैंस को शाउट आउट, ठीक है, और जिनको शाउट आउट चाहिए वो वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दिया करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब किया करें। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यार ये मैंने अपनी पैंट किधर रख दिया यार, मुझे पैंट नहीं मिल रही यहाँ पर तो। नहीं पड़ी, चलो खैर छोड़ो, पापा बुला रहे थे मुझे, मैं पापा की बात सुन लूँ। अस्सलाम वालेकुम पापा जी, क्या हाल चाल है, ठीक है ना। जिमी मैं जो ठीक हूँ यार, वो ना मैंने बात करनी थी कि हाइजेड मैंने बाइक खड़ी की है, ठीक ना, वो ना ड्राइवर को डिलीवर कर रहा है, ठीक ना अच्छा पापा जी, मैं चलो ठीक है, मैं चलता हूँ यार। इधर बात सुन, बात सुन, जी पापा जी। क्या करना पापा ये सदका ले जा, ये उनको दे आए, ठीक ना। जी, कितने पैसे हैं, 1,000 रुपये का कुछ नहीं बनना, ठीक ना, मैं आपको बकरा लाग दूंगा। चल ठीक है, उसका करते हैं। चलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि पापा को ना कोरोना हो गया, पापा की अपनी करतूतें इतनी ख़राब है ना, क्या कर सकते हैं। चलो छोड़ो, आप चलते हैं। हम आपने मुझे वो कहा था कि हाईजेट डिलीवर करनी है, वो खड़ी है पापा की गाड़ी, उसको छोड़ो हम चलते हैं इस पे। हाईजेट पता नहीं किधर खड़ी है, मैं वही देख रहा हूँ, यहाँ पर तो नहीं खड़ी, मेरे ख्याल से दूसरी तरफ खड़ी है। चलो मैं दूसरी तरफ जाके देखता हूँ और वहाँ का सिस्टम चेक करते हैं। चलो आज चलें वहाँ पर। हाँ यार देखो, ये कितनी गंदी गाड़ी की है पापा ने, पापा को भी शर्म नहीं आती, पता नहीं क्या सिस्टम किया हुआ पापा ने। चलो और यार चलें। और दोस्तों रमज़ान आ रहा है, ठीक ना, तो आपको सबको एडवांस रमज़ान मुबारक। सबसे पहले गेट खुल जाए, उसके बाद रमज़ान मुबारक भी हम कह लेंगे। गेट खुलता नहीं हमारा, जब भी हम जाते हैं हमारी हर टाइम बिस्त करवाते हैं, बिस्ती होती है इससे, ठीक ना। तो ये मैं आपको बताता चलूँगी ना, टेबर अंकल को ये ट्रक, ओ सॉरी ट्रक कह दिया, ये मिनी वैन इसलिए चाहिए थी क्योंकि उन्होंने, आपको पता ही होगा कि बच्चियां शच्चियाँ इसमें बैठ जाती हैं, उनका काम काफ़ी ख़राब हो गया। मतलब कि पापा को उन्होंने बताया कि स्टोरी कि उनकी वजह से सड़ चुकी है, ये हो चुका है। मैंने कहा चलो खैर हम कर देंगे। पापा ने ना थोड़े बहुत पैसे डाल के किए हैं, सिस्टम सेट किया पापा उन्होंने। मैंने कहा पापा जी उनको सदका दे रहे थे, पापा माने नहीं, पापा कहते गाड़ी ले जाओ इनको, बाकी वो जाने बाद में। मैंने कहा चलो देख लो जो करना करो, मैं नहीं कह सकता कुछ यार, मैं देख लूँ इधर कोई है, क्या कहते हैं उसको, कार वाश कोई सिस्टम सिस्टम है यहाँ पर, अगर हुआ तो ठीक है, ना हुआ हम ऐसे लेके चले जाएंगे। पेट्रोल तो पापा ने पूरी टैंकी करा के दी है, मतलब कि पापा के पास पैसा था यार। मुझे समझ नहीं आ रही, पापा को कोरोना हुआ पड़ा है फिर भी ना, मैं वो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक ना। पापा बहुत जी मखलूक है, मतलब कि ना बहुत गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं, हर थका रात पता नहीं क्या कहते हैं उनको, पता नहीं पापा को क्या मसला पड़ा होता है, हर टाइम मोबाइल के साथ ही लगे रहते हैं, काम ही नहीं करते यार। यहाँ पर तो कोई भी नहीं, पेट्रोल वगैरह वाला जो भी सिस्टम है ना, जिसे गाड़ी हमने वॉश करानी है वो तो है ही नहीं इधर। ओ शिट यार, ये काम खराब हो गया, मैं गाड़ी उतर के देख लूँ क्या सिस्टम है। चलो यार मैं देखूँ यार, वैसे इतना काम तो नहीं पड़ा, बम्पर लगा थोड़ा सा। हाँ यार बम्पर लगा है और कुछ नहीं लगा, थोड़ा हुड थोड़ा टेढ़ा हो गया, बाकी ड्राइवर अंकल को कहेंगे गाड़ी शिपमेंट में प्रॉब्लम में आई थी। चलो यार चलते हैं, पता नहीं क्या सिस्टम किया हुआ है, सॉरी सिस्टम कह दिया यार, मैंने कहना था कि ना ड्राइवर अंकल के कह देंगे ना गाड़ी लगी, खुद ही लगी आई थी, ड्राइवर अंकल मान जाएंगे, अगर ना माने तो फिर भी खैर है
यार मुझे ना चाहिए गर्लफ्रेंड, ठीक ना। अगर आप लोग एग्री करते हैं ना तो फिर कमेंट्स में बता देंगे गर्लफ्रेंड, ठीक है। मेरे ख्याल से गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, मतलब कि ना अब सिंगल भी नहीं रहना चाहिए। बाकी यार मैंने ना काम ख़राब कर दिया, मैंने रॉन्ग वे ले लिया, मैंने हाईवे की तरफ जाना था, ठीक ना। और आगे रमज़ान आ रहे हैं तो फिर टाइम पास किसके साथ करेंगे हम, मुझे कमेंट्स में बता दें, ठीक ना। हम फिर उसी प्लान को आगे कंटिन्यू रखेंगे कि रमज़ान में हम क्या करेंगे, ठीक ना। अब बच्चे तो नहीं रहे, मतलब के घरों की बल्ब जा के भागे यहाँ से, अब ना हम बड़े हो चुके हैं, ठीक ना। ये गाड़ी का इंटीरियर वैसे काफ़ी सादा है, 140 की स्पीड है, इतना कुछ खास नहीं, जैसे हम आम सी गाड़ी है, लेक्सन टाइप इसकी सीटें हैं, गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है। और गाड़ी में कोई MP3 सिस्टम नहीं है, LCD का सिस्टम दस्तयाब है जिससे हम गाने सुन सकते हैं, ठीक है। और मतलब कि इसमें वीडियो प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि ना ड्राइविंग के दौरान वीडियो प्ले करेंगे ना तो गाड़ी का एक्सीडेंट होने का खतरा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम वीडियो नहीं देखेंगे। बाकी गाड़ी का आउटर की बात की जाए ना, गाड़ी आउट से बहुत अच्छी है, काफ़ी मॉडर्न है। अगर बुलान से कंपेयर की जाए ना तो बुलान से ज़्यादा अच्छा ही है, मतलब कि ना बुलान इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, मतलब कि जापानी गाड़ी है। और जापानी गाड़ी का आप दोस्तों को पता ही है कि कितना फायदा, ओए शिट, ये टैबर अंकल को टोपी करानी पड़ेगी, ठीक ना। टैबर अंकल को कुछ कहना पड़ता है, चलो देखते हैं कितना नुकसान हुआ है। और तेरी खैर, अब इसका तो हुड भी भींगा हो गया, बम्पर लटकने लग गया यार। ऐसा करता हूँ, ठीक ना, अब मैं चलता हूँ, यहाँ पर पास ही मैकेनिक की शॉप है, वहाँ पर चलते हैं और ड्राइवर अंकल को कहेंगे कि गाड़ी जैनवन है, उनको शक भी नहीं होगा कि गाड़ी लगी है, ठीक है। कैसा आइडिया है मेरा? आइडिया तो वैसे काफ़ी अच्छा है, चलो अभी चलते हैं। एक तो रात है और यहाँ पर तो लाइटनिंग का काफ़ी इश्यू है, इसलिए नज़र भी नहीं कुछ आता। चलें बस हम थोड़ा करीब करीब पहुँच चुके हैं इसके। हाँ ये टावर अंकल का इस तरफ घर है, हमने जाना दूसरी तरफ, मतलब भाई ना बस थोड़ा बहुत ही फर्क है, मतलब इतना फ़र्क तो नहीं है। और मेरे पापा की दुआ कर दो यार, पापा की दूसरी शादी हो जाए ना फिर अच्छी बात है। चलो मेरा ख्याल से पहुँच ही गए हैं, इसकी एक लाइट ख़राब हो गई है, बाकी गाड़ी की स्टेबिलिटी ख़राब हो चुकी है, वो हमारा मैकेनिक सही कर देगा, अगर मैकेनिक नहीं कर सका तो हम खुद ही कर देंगे। चलो यार इसकी थोड़ी हार वगैरह देते हूँ। चलो यार ये है मेरा ख्याल, यहाँ पर है नहीं, मैं खुद अंदर जाकर दरवाजा खोल के ना रिपेयर करता हूँ गाड़ी। चलो यार मैं ना अभी खुद ही अपनी गाड़ी रिपेयर करता हूँ, काम सेट हो जाएगा। यही बटन है, यही है, इसको दबाते हैं। ये देखो ना यही बटन था, मैं कितना होशियार बंदा हूँ, ठीक है। अगर कोई भी काम करवाना हो ना तो मुझे मिस कॉल दे देना, मैं अभी उसी टाइम आपकी गाड़ी फिक्स कर दूंगा, ठीक है। मैं गाड़ी A1 जैन काम करके दूंगा। चलें अभी इसको रिपेयर करते हैं और बाद में देखते हैं क्या सिस्टम है। ये देखो ना कितनी गंदी ख़राब है। चलो यहाँ से कोई औजार वगैरह पकड़ते हैं, शुरू होते हैं। चलो यार काम सा सेट हो गया, और ये देखो सुबह हो चुकी है। बाकी आप गाड़ी आगे चेक करें, मैंने गाड़ी बिल्कुल A1 चकाचक कर दी है, बाकी मैंने साफ़ वगैरह तो कुछ नहीं की, क्योंकि ना गाड़ी गंदी सही है।
आप दोबारा लग जाए, आप सुबह होने लगी है, अब थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। चलो यार अब चलते हैं, मैं कहता हूँ वो काफ़ी लग रही है। टैगोर भाई से कुछ खाते हैं, ट्रीट वगैरह लेते हैं उनसे, काफ़ी दिन हो गया उनसे गए नहीं है। यार आप इसका इंटीरियर देख लो कितना का मॉडर्न नहीं है, मतलब क्लासिक टाइप है, मुझे तो नहीं अच्छा लगा। बाकी अपने हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं आपको पता है जड़ियम डबर हूँ और रिबोन है, वही गाड़ियाँ अच्छी मुझे लगती हैं, बाकी मुझे कोई नहीं गाड़ी अच्छी लगती। यार बहुत दर्द हो रहा है पेट में, बहुत भूख लग रही है। चलो यार मैं जल्दी जल्दी सब पहुँच गया हूँ, अब फुल शूटर जाना है हमने। बाकी मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि रमज़ान में हमने गाने नहीं सुनेंगे, हम कोई ना नात वगैरह लगाया करेंगे, ठीक है ना, ताकि रोज़ों में सवाब कमाया जाए। हराम काम नहीं करना है रोज़ों में, हराम काम बाद में करेंगे, बहुत काम हराम किए हैं हमने, ज़िंदगी ख़राब थी हमारी जो यहाँ पर आए, ठीक है ना, यह ज़िंदगी ख़राब है। बाकी मेरी गाड़ी ना गई हुई है, सारी गई चली गई हैं और हम टैवर के घर के बाहर आ चुके हैं। चलो टैवर अंकल को बुलाते हैं और देखते हैं क्या सिस्टम है इनका। ये पता नहीं यहाँ से इतना पैसा इनके पास, कंजूस के कंजूस ही ने। चलो मैं उनको फ़ोन करता हूँ, वो आ जाएंगे। चलो ये फ़ोन तो कर दिया मैंने उनको। अस्सलाम वालेकुम जिमी, क्या हाल चाल है? हाँ मैं ठीक हूँ, आप सुना टावर अंकल, आपने तो मास्क पहना, कोरोना हुआ क्या? पीछे हो जाए मेरे से, मुझे भी कोरोना हो जाएगा। नहीं नहीं यार, मैंने सुना तेरे पापा को कोरोना हो गया, इसलिए मैं क्या मास्क पहन करी है। हाँ हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये आप गाड़ी चेक कर लें, फुली मिट्टी है, मिट्टी हुई पड़ी है। और मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि मिट्टी मैंने नहीं की, ये पापा की तरफ से हुई है। जिमी उसकी खैर है, बाकी गाड़ी ये बन ना, मुझे गाड़ी की सख्त ज़रूरत थी, ठीक ना, मुझे बाकी मेरी बोन थी ना वो ख़राब हो गई थी। टावर अंकल जी कस्टम गाड़ी, कोई मसला नहीं इसमें, ये ना कोई मसला नहीं है, ए वन चकाचक चीज़ है। हाँ जी चल ठीक है, मैं इसके टेस्ट ड्राइव दे लूँगी। हाँ ले ले लेना टावर अंकल, कोई बात है आपकी भी। चल आप बैठ इसमें और टेस्ट ड्राइव लें। चले मैं बैठता हूँ, पीछे बैठूँगा मैं। हाँ फिर पीछे बैठ कर ना मुझे कंफर्ट बताएंगे किस तरह की है। टैबर अंकल पीछे की सीट ना काफ़ी अंदर बैठी हुई है, मलक भी ना मज़ा नहीं आ रहा बैठने में। चलो देख ले क्या सिस्टम है इसका। बाकी ये इंटीरियर वैसे इसका मोटर ना काफ़ी जान दो टैबर अंकल की, ये क्या हो गया, आप मेरे बोन रखे बोन से इसका मुकाबला कर रहे हैं? यार मैं नहीं आपको बुलाता यार, इंटीरियर देख लें कितना साफ सुथरा। यार मैं आपको बुलाता ही नहीं हूँ, आपने रिबॉन के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं, कोई मजाक पकड़ा आपने? नहीं भैया मुझे आग लगा दो, मिट्टी के तेल से आग लगा दो। अच्छा अच्छा यार मजाक, तुझसे मजाक भी कर लो। ड्राइवर अंकल ये कोई मजाक मजाक की चीज़ है, आप रिबॉन को इसके साथ कंपेयर कर रहे हो, कोई खतरा का खौफ करो यार। ड्राइवर अंकल मुझे मारो। चल ठीक है यार, मुझे बताया गाड़ी के चार्जेस वगैरह कितने पड़े। यार ड्राइवर अंकल मैंने, मुझे कुछ नहीं पता, पेमेंट पापा ने कहा था आपके साथ क्लियर हो चुकी है। हाँ यार वो तो मैं भूल ही गया। हाँ बाकी इसको क्या है, कोई सिस्टम सिस्टम कराना है इसमें? यार इसमें डेक लगवाना, मेरे को डेक चलता ही नहीं होना इसमें ना। नहीं नहीं टेबल अंकल मैं पूरे डांस से इसमें से गाने सुनते हैं, गाने सुनते हैं। चलो अच्छी बात है, इसमें मैंने ब्रेम सेटर लगवाने हैं, पेंट नया करवाने और बाकी जो चीज़ें वगैरह होती है। टैबर अंकल आप मेरी शॉप है ना उसमें आ जाए करना, ठीक ना, जो पेट्रोल पंप के साथ है, वो आपको पता ही होना है, आप गए होंगे वहाँ पर। हाँ हाँ वहाँ पर मैं गया, पर वो शॉप तो मैं खरीद ली। हाँ हाँ टैबर अंकल आप मेरे से पास आ जाना, गाड़ी जान में काम करके देख रहे हैं, ठीक ना, तो ये गाड़ी कहीं लगी है? नहीं नहीं टैबर अंकल मैं कहता हूँ गाड़ी जान में ना, मतलब किसी जगह लगी हो ना मुझे पकड़ लेना। चल ठीक है, वो आप रिबॉन देख लें। ड्राइवर अंकल बोन सेल करनी तो मुझे एक फ़ोन मारना, ठीक है ना यार? नहीं नहीं बोन सेल नहीं करनी, वो नॉन कस्टम है यार। ड्राइवर अंकल नॉन कस्टम भी हो ना, जैसे मर्जी हो, गाड़ी तो है ना। चल ठीक है, मैं गाड़ी के एक दफ़ा शेप बैट्स देख लूँ। गाड़ी
यार अच्छी है वैसे है ना। ड्राइवर अंकल आपने वैसे करना है क्या इसका? यार तू तुझे समझ गया, तू अभी बच्चा है। यार मैं बच्चा नहीं, मैंने बात कर ली थी बच्ची वगैरह का सिस्टम है ना। हाँ यार वो तो थोड़ा बहुत है, पर ये अपनी ये चेक करे रिबन कैसी है। ड्राइवर अंकल आप मुझे सता रहे हैं, ठीक है? मैंने आपको ना मुक्का मारना है। यार मैं तुझसे मजाक कर, मैं मजाक कोई भी नहीं करना ठीक है। अभी जो तुमने रिबन चाहिए ना, मैं अगर सेल करनी है मैं तुझे बता दूंगा। चल ठीक है ड्राइवर अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम वीडियो एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।